नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को बिहार एक परिचय का वस्तुनिष्ठ किताब पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू बेस्ड किताब है। और ये किताब इम्तियाज अहमद और रजनीश कुमार के द्वारा किताब लिखी गई है, और इस किताब से बहुत सारे प्रश्न आपके जो भी एग्जाम होते हैं जहाँ पर बिहार से क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से पूछे जाते हैं। तो चलिए, आज का जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका मॉडर्न आधुनिक बिहार, मॉडर्न बिहार। ठीक है, तो आज हम करेंगे मॉडर्न बिहार का क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो और आधुनिक बिहार में सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो है आपका बंगाल के नवाब और बिहार। तो बंगाल के नवाब और बिहार के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है। नवाब अली वर्दी खां की बिहार में कार्यकाल थी, तो नवाब अली वर्दी खां की बिहार में कार्यकाल थी। ऑप्शन ए 1730 से लेकर 1736, ऑप्शन बी 1734 से लेकर 1740, ऑप्शन सी 1740 से लेकर 46, ऑप्शन डी 1736 से लेकर 1746। तो ये क्या है, पढ़ते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो नवाब अली वर्दी खां की बिहार में जो कार्यकाल थी वो थी आपका 1734 से लेके 1740 तक। ऑप्शन बी इसका राइट होगा, ऑप्शन बी 1734 से लेके 1740 तक। क्वेश्चन नंबर टू है, अली वर्दी खां ने बंगाल की गद्दी पर अधिकार कब किया। तो ऑप्शन ए है 1730 में, ऑप्शन बी 1735 में, ऑप्शन सी 1740 में, और ऑप्शन डी 1746 में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1740 में। एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पर कुछ मुझे गलत लग रहा है, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन में अधिकार किया बंगाल पर 1740 में, और देखिए बिहार में जो कार्यकाल था वो था आपका 1734 से लेके 1740 के बीच में। ठीक है, और बंगाल की गद्दी पर अधिकार कब किया था, 1740 में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, दोनों में कन्फ्यूजन मत कीजिएगा, एक बंगाल है और एक बिहार है। तो बिहार में कार्यकाल जो था नवाब अली वर्दी खां का वो था 1734 से लेके 1740 के बीच में। क्वेश्चन नंबर तीन है, बंगाल के नवाबों में किसने राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर में स्थापित की। तो बंगाल के नवाबों में किसने राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर स्थापित की। ऑप्शन ए मुर्शिद कुली खां, ऑप्शन बी अली वर्दी खां, ऑप्शन सी सिराज उद्दौला, ऑप्शन डी मीर कासिम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बंगाल के नवाबों में किसने राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर में स्थापित की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मीर कासिम। क्वेश्चन नंबर फोर है, 1748 में बिहार के किस उपनवाब की हत्या हुई। ऑप्शन ए अली वर्दी खां की, ऑप्शन बी हैवत जंग की, ऑप्शन सी शौकत जंग की, ऑप्शन डी उपर्युक्त में कोई नहीं।
तो 1748 में बिहार के किस उप नवाब की हत्या हुई? ऑप्शन ए अली वर्दी खां की, ऑप्शन बी हैबत जंग की, ऑप्शन सी शौकत जंग की, ऑप्शन डी उपर्युक्त में कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हैबत जंग की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है। 1748 में अली वर्दी खां ने रानी सराय के युद्ध में किसे पराजित किया? तो 1748 में अली वर्दी खां ने रानी सराय के युद्ध में किसे पराजित किया? ऑप्शन ए अफगानों को, ऑप्शन बी मराठों को, ऑप्शन सी अंग्रेजों को, ऑप्शन डी फ्रांसीसियों को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अफगानों को। ऑप्शन ए अफगानों को आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है। निम्नांकित में कौन बिहार का प्रथम नायब नाजिब था? तो प्रथम नायब नाजिब था तो कौन था बिहार का प्रथम नायब नाजिब? ऑप्शन ए राजा सिताब राय, ऑप्शन बी सुजात खां, ऑप्शन सी अली गौहर, ऑप्शन डी राजा राम नारायण। तो निम्नांकित में बिहार कौन बिहार का प्रथम नायब नाजिम था? ऑप्शन ए राजा सिताब राय, ऑप्शन बी सुजात खां, ऑप्शन सी अली गौहर, ऑप्शन डी राजा राम नारायण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी राजा राम नारायण। क्वेश्चन नंबर 7 है। 1733 में मुगल सम्राट मुहम्मद शाह ने किसे बिहार की सूबेदारी प्रदान की थी? तो 1733 में मुगल सम्राट मुहम्मद शाह ने किसे बिहार की सूबेदारी प्रदान की थी? ऑप्शन ए शुजाउद्दीन, ऑप्शन बी मुर्शिद कुली खां, ऑप्शन सी सिराजुद्दीन, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 1733 में मुगल सम्राट मुहम्मद शाह ने किसे बिहार की सूबेदारी प्रदान की थी? ऑप्शन ए शुजाउद्दीन, ऑप्शन बी मुर्शिद कुली खां, ऑप्शन सी सिराजुद्दीन, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 7 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए शुजाउद्दीन। क्वेश्चन नंबर 8 है। अली वर्दी खां ने बिहार में अफगानों को किस युद्ध में पराजित किया? तो अली वर्दी खां ने बिहार में अफगानों को किस युद्ध में पराजित किया? ऑप्शन ए बक्सर के युद्ध, ऑप्शन बी पटना के युद्ध, ऑप्शन सी आरा के युद्ध, ऑप्शन डी मुंगेर के युद्ध। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पटना के युद्ध में, ऑप्शन बी पटना के युद्ध में। क्वेश्चन नंबर 9 है। बिहार में कहाँ अली वर्दी खां ने मराठों को पराजित किया? बिहार में कहाँ अली वर्दी खां ने मराठों को पराजित किया किया था? ठीक है, ऑप्शन ए फतुहा के समीप, ऑप्शन बी मुंगेर के समीप और नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट ऑप्शन है पूर्णिया के समीप, ऑप्शन डी उपर्युक्त में कोई नहीं। तो बिहार में कहाँ अली वर्दी खां ने मराठों को पराजित किया था? ऑप्शन ए फतुहा के समीप, ऑप्शन डी मुंगेर के समीप, ऑप्शन डी ऑप्शन सी पूर्णिया के समीप और ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका इसका राइट ऑप्शन है
ऑप्शन नंबर ए फतुहा के समीप। क्वेश्चन नंबर 10 है, बिहार के किस उप नवाब को अफगानों ने हत्या कर दी थी? तो बिहार के किस उप नवाब को अफगानों ने हत्या कर दी थी? ऑप्शन ए राम नारायण, ऑप्शन बी अलीवर्दी खां, ऑप्शन सी जैनुद्दीन हैबत जंग, ऑप्शन डी नवाब खां। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जैनुद्दीन हैबत जंग। ठीक है, और इसका जो व्याख्या दिया हुआ है 1748 में उसका वध किया गया। ठीक है, 1748 में उसका वध किया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा आज का जो चैप्टर है वो यहीं पर समाप्त होगा, क्योंकि हमने बोला था कि आपका छोटे छोटे से भागों में आपको मैं पढ़ाऊंगा। इस प्रकार आज का जो टॉपिक था वो यहीं पर समाप्त होता है, और आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।